बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिज़वी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले नारे पर कड़ा बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि हमारा भारत कभी भी ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतों से होशियार रहने की जरूरत है और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की जुबान बंद की जाए जो लोग देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। तो मैं दावे से कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र, ये देश हिंदुस्तान, हमारा भारत कभी भी नहीं बन सकता है। न ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र का और मुस्लिम राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हुकूमत को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे, वरना हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुस्तान हमारा एक ताकतवर तरक्की पजीर मुल्क है और ऊंचाइयों की मंजिलों पे जा रहा है। इस तरक्की को और इन ऊंचाइयों की मंजिलों को छूने वाले, विश्वगुरु बनने वाले भारत को ये लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये थी बरेली से हमारे संवाददाता फजल उर रहमान की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।